अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है क्रोमोसोम। बेसिकली जो क्रोमोसोम है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका नाम है वेल्डर फ्लेमिंग। तो आज हम क्रोमोसोम की कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे एमडीकैट के लिहाज से कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो क्रोमोसोम को आज हमने एलेबोरेट करना है एमडीकैट के लिहाज से। बेसिकली जो क्रोमोसोम है ये आपको जिस फॉर्म के अंदर नजर आता है उसका नाम है क्रोमाटिन। तो ये आपको क्रोमाटिन की फॉर्म के अंदर नजर आता है, क्रोमाटिन की फॉर्म के अंदर। अब क्रोमाटिन जो आपको नजर आता है ये फाइन नेटवर्क होता है थ्रेड का, फाइन नेटवर्क होता है ये, बहुत ब्रीक सा नेटवर्क जो आपको नजर आता है धागों का, उसका नाम है क्रोमाटिन। मगर ये क्रोमाटिन आपको अपीयर होता है उस वक्त जब सेल डिवाइड नहीं होता, मतलब ये उस वक्त आपको नजर आएगा जब नॉन डिवाइड ऑफ सेल, जब सेल डिवाइड नहीं होता तो क्रोमोसोम जिस फॉर्म में नजर आता है उसका नाम है क्रोमाटिन है। और यही बाद में जब सेल डिवाइड करता है तो यही क्रोमाटिन बाद में कंडेंस होता है, इसके अंदर कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन से बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंडेंसेशन से बन जाता है क्रोमाटिन से क्रोमोसोम। तो अगर मैं कहता हूं कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बन गया, अगर मैं कहता हूं अगेन क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन होगी तो दोबारा क्रोमोसोम किस में बन जाएगा, क्रोमाटिन के अंदर। तो क्रोमोसोम दोबारा क्रोमाटिन में बनता है किस प्रोसेस से, डीकंडेंसेशन प्रोसेस से बन जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्रोमोसोम अगर देखा जाए ये थिक थ्रेड होता है, थिक थ्रेड, अगर थिक थ्रेड आपको नजर आता है तो वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ये आपको अपीयर उस वक्त होगा, उस वक्त आपको नजर आएगा जब सेल डिवाइड होता है, ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल। तो डिवीजन ऑफ सेल के दौरान जो आपको नजर आता है हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम। बेसिकली एक जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये एक क्रोमोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, ये एक क्रोमोसोम है, जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अगर देखा जाए इस क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो आपके पास सेंटर पर है दे आर कॉल्ड सेंट्रोमेयर, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर का दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, हम इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का भी नाम देते हैं। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर दो बाजू जो क्रोमोसोम के होते हैं वो अटैच होते हैं जिस जगह पर, उसका नाम है सेंट्रोमेयर और बाजुओं का नाम होता है क्रोमाटिड, मतलब ये अटैचमेंट साइट ऑफ क्रोमाटिड है। ये एक ऐसी जगह जहां पर जुड़ते हैं, अटैचमेंट साइट ऑफ क्रोमाटिड। तो जहां पे क्रोमाटिड जुड़ेंगे, क्रोमाटिड हम उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सेंट्रोमेयर। तो ये आपके पास आ गया सेंट्रोमेयर, सेंटर के ऊपर। अब जो सेंट्रोमेयर है इसके ऊपर एक प्रोटीन भी होती है, प्रोटीन भी होती है। ये प्रोटीन जो ग्रीन कलर की बना रहे हैं ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन। जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं उस प्रोटीन को नाम देते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, और ये मौजूद होती है सेंट्रोमेयर के ऊपर। तो ये अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर है, अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर है। तो जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस और मियोसिस के दौरान, तो जिस जगह पर वो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन है। इसी तरह ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये एक बाजू जो कि क्रोमोसोम की आर्म है, आर्म, इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड क्रोमाटिड। ये है क्रोमाटिड, ये क्रोमाटिड है। बेसिकली हमारे पास 46 जो क्रोमोसोम है
उसके पास एक आर्म होती है, मगर जब माइटोसिस या मियोसिस के लिए वो इंटरफेस से गुजरता है तो एस फेज के अंदर ये बाजू डबल हो जाती है। एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होने के बाद ये बाजू डबल हो जाती है, तो आपको क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे फॉर्म में नजर आता है। बेसिकली मैं एक क्रोमेटिड क्लास स्टडी करवा रहा हूं, वो भी मैं बताता हूं कि कैसे वो डबल स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। क्रोमेटिड क्या है, व्हाट इज अ क्रोमेटिड? ये है आर्म ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की बाजू है हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड क्या आ गया, आर्म ऑफ क्रोमोसोम आ गया हमारे पास। अब इसी तरह क्रोमेटिड के बाद देखा जाए तो ये जो आपके पास ये पहला अंदर की तरह धसा हुआ पार्ट, ये वाला पहला जो मैंने बता दिया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये है ना प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक और कॉन्स्ट्रिक्शन ये आपको नजर आ रही है, ये वाला, ये कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रही है, ये जो मैं बना रहा हूं ये ब्लैक वाला, ये दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अब जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है बेसिकली इसका दूसरा नाम है, उसी नाम से इसका रोल भी है। इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। अब ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का मतलब कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस, तो जो न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करता है उसको गिव राइज करता है वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है, जिसका दूसरा नाम क्या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोलस की, तो जो न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करता है वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है, और वो उसका दूसरा नाम है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। आपके पास मैंने तीन पॉइंट, चार पॉइंट बता दिए, सेंट्रोमेयर, क्रोमेटिड, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड अदर नेम देयर इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एंड फोर्थ वन इज काइनेटोकोर। अब आते हैं आपके पास ये जो मैंने बनाया हुआ एंड के ऊपर नोबला स्ट्रक्चर, ये जो बनाया हुआ है ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है जहां मर्जी हो सकता है, मैंने इसको एंड पे बना दिया। इसका नाम है सैटेलाइट, ये जो क्रोमोसोम के ऊपर होता है इसको कहते हैं सैटेलाइट। बेसिकली जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे डीएनए, आप ये कह सकते हो जिसका कोई सीक्वेंस नहीं, प्रॉपर डीएनए जो कि फंक्शनेबल नहीं होता वो इसके पास होता है, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। मतलब कि अगर मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूं तो इस सैटेलाइट एक ऐसा पार्ट है जहां पे यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, वो जो यूजलेस डीएनए वाला पार्ट होता है क्रोमोसोम के अंदर उसका नाम देते हैं सैटेलाइट। हम ऐसे डीएनए को दूसरा नाम भी देते हैं, दे आर कॉल्ड जंक डीएनए, इसको हम जंक डीएनए भी कहते हैं। तो ऐसा डीएनए जो यूजलेस है वो क्रोमोसोम के जिस पार्ट के ऊपर होता है उसका नाम है सैटेलाइट। तो ये जो क्रोमोसोम का ये जो पार्ट है दे आर कॉल्ड सैटेलाइट, क्योंकि इसके पास कौन सा यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, और इस डीएनए को दूसरा नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड जंक डीएनए कहलाता है। अब जो भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा उसका जो कॉर्नर होगा, कोई भी कॉर्नर, ऊपर से कह लो या नीचे से कह लो, मैंने यहां पे तो सैटेलाइट नीचे बना दिया, मैं इधर भी बना सकता था, इसको ऊपर भी कर सकते थे, मगर जो एंड होता है ना क्रोमोसोम के, एंड, एंड का मतलब के टिलो, टिलो मींस क्या होता है एंड, कॉर्नर, उसके कॉर्नर को नाम, जैसे ये कॉर्नर है ठीक है, इसके कॉर्नर को नाम देते हैं टिलोमेयर। याद रख रहे हैं टिलो का लफ्जी मतलब होता है एंड, और यहां पर लगा दिया मैंने टिलोमेयर। बेसिकली क्रोमोसोम का जो भी एंड होगा, कोई भी क्रोमोसोम का एंड, आपने उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड टिलोमेयर, ये टिलोमेयर है। अब टिलोमेयर एंड का क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करता है अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमोसोम, मतलब कि जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम को आपस में अटैच होने से जो रोकता है, तो वो रोकने वाला कौन है, टिलोमेयर है। यहां पे आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो क्रॉसिंग ओवर एक अलहदा प्रोसेस है ठीक है, वो तो आपस में आपको पता है वो एक्सचेंज जो सेगमेंट होता है वहां पे क्यास मैटर बनता है, तो ऐसा क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये वो डिफरेंट चीज है। मगर एक क्रोमोसोम के साथ अगर दूसरा क्रोमोसोम है तो वो उसके साथ अटैच नहीं हो सकता। वो अटैच क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसको प्रिवेंट करता है अटैचमेंट के लिए जो पार्ट क्रोमोसोम का, उसका नाम है टिलोमेयर। तो एक क्रोमोसोम के अंदर मैंने सारे के सारे आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि सैटेलाइट क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, सेंट्रोमेयर क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, और टिलोमेयर क्या होता है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं एक क्रोमोसोम के लिहाज से अगर हम स्पीशीज को देखते हैं,
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लास हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लास है। तो आपने याद रखना नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिहाज से कि जो क्रोमोसोम है ये सेम रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, रिमेन सेम रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल टू नस्ल सेम रहते हैं, मगर ये भी याद रखना इन सेम स्पीशीज। तो एक स्पीशीज के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो आपको याद रखनी है, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे बिल्लियों के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो हर बिल्ली की जो जनरेशन होगी उसके पास सेम होगी। अगर मैं कहता हूं डॉग के पास जितने क्रोमोसोम है तो डॉग की कोई भी स्पीशीज होगी तो डॉग की जो जनरेशन टू जनरेशन होगी हर एक के पास सेम होगी। जो इंसानों के पास 46 है तो हर इंसान के पास, हर इंडिविजुअल के पास 46 क्रोमोसोम होगी, भला वो चाइनीज हो भला वो अमेरिकन हो कोई भी हो उसके 46 क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे, वो आपको चेंज होते नजर नहीं आएंगे। तो वो क्या होते हैं, रिमेन सेम होते हैं। अगर मैं कहता हूं मिनिमम आपको क्रोमोसोम किसके पास नजर आते हैं, मिनिमम क्रोमोसोम किसके पास है, तो याद रखना मिनिमम क्रोमोसोम हमारी बुक के लिहाज से देखा जाए तो एक क्रोमोसोम आपको नजर आता है, एक क्रोमोसोम वो है बैक्टीरिया के पास, तो बैक्टीरिया के पास एक क्रोमोसोम होता है। अगर मैं कहता हूं वन पेयर, अगर एक पेयर क्रोमोसोम का आपको नजर आता है तो पेंसिलीन जो फंगस है, पेंसिलियम जो कि फंगस है, इसके पास आपको वन पेयर नजर आता है फंगस के पास। और अगर मैं कहता हूं कि मैक्सिमम किसके पास होते हैं, मैक्सिमम किसके पास क्रोमोसोम है, तो याद रखना मैक्सिमम जो क्रोमोसोम आपको नजर आते हैं मोर देन 500 पेयर्स, तो 500 पेयर से ज्यादा भी अगर आपको नजर आते हैं तो उसका नाम है फंड्स, फंड्स। तो फंड्स के पास 500 पेयर से ज्यादा होता है, और एक क्रोमोसोम आपको बैक्टीरिया के पास नजर आता है, एक जो आपको नजर आता है वो पेंसिलिन के पास नजर आता है, और 500 से ज्यादा आपको नजर आता है फंड्स के पास। अब यहां पे देखते हैं क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होता है और क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन हमने कैसे की गई है, तो एक क्रोमोसोम को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जी जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम वो आपको मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। अब जो क्रोमोसोम है जब ये सेल डिवाइड होने के लिए जाता है तो आपको पता है ये इंटरफेज में जाता है, इंटरफेस के अंदर, और इंटरफेस के अंदर आपको पता है G1, G2 ये सारे फेज आते हैं, और एक आता है S फेज, एक S फेज आता है, और S फेज के अंदर गुजरने के बाद यही जो क्रोमोसोम के जो एक स्ट्रैंड है, एक क्रोमेटिड है, ये डबल हो जाता है और फिर आपको कुछ इस तरह से क्रोमोसोम नजर आता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, इस तरह से क्रोमोसोम आपको नजर आता है। अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अगर क्रोमोसोम को देखा जाए कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद क्या है, क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद होता है, तो याद रखना है कि एक क्रोमोसोम के पास आपको दो चीजें नजर आती हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है डीएनए और एक होती है हिस्टोन प्रोटीन, एक है हिस्टोन प्रोटीन और एक आपको नजर आता है डीएनए। अब जो डीएनए है, डीएनए ये 40% होता है, मतलब 40% जो आपको नजर आता है वो डीएनए है, और जो 60% आपको नजर आती है वो आपको नजर आती है प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अब इसी तरह जो डीएनए है, डीएनए जो कि 40% आपको नजर आता है, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज की जो रीजन है, नेगेटिव चार्ज की जो रीजन है वो है इसके पास फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये आपको नेगेटिव चार्ज नजर आता है जिसका नाम है डीएनए, जो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली आपको पता है ये एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनी होती है अमाइनो एसिड से, तो इसके बाद जो अमाइनो एसिड है वो पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा होते हैं जिसका नाम है लाइसिन और आर्जिनिन। ये दो अमाइनो एसिड काफी ज्यादा रेशो में होते हैं, तो जिस वजह से इसके ऊपर जो आपको चार्ज नजर आता है वो पॉजिटिव चार्ज नजर आता है। जो एक डीएनए, एक डीएनए जो कि एक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होगा उसकी जो लेंथ है, लेंथ
वो आपको नजर आती है 5 सेंटीमीटर आपको लेंथ इसकी नजर आती है एक डीएनए की एक क्रोमोसोम के अंदर। इसी तरह जो एक डीएनए है इसका जो आपको पास न्यूक्लियोटाइड नजर आता है 140 मिलियन अगर देखा जाए इसके पास मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। तो एक डीएनए के पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो 140 है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, नेगेटिव चार्ज होता है और 40% डीएनए मौजूद होता है एक क्रोमोसोम के पास। इसी तरह अगर इसके और मैं चीजें बताता हूं तो आपने याद रखना है कि एक डीएनए होता है एक स्ट्रैंड के पास, 1 डीएनए आपको नजर आता है 1 क्रोमेटिड के पास। मतलब कि अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल ये एक है क्रोमेटिड तो इसके पास एक डीएनए पूरा मौजूद होगा, ठीक है। ये 2 क्रोमेटिड है तो एक ये मौजूद होगा और दूसरा वाला ये होगा, तो 2 क्रोमेटिड के बाद 2 डीएनए होंगे, एक क्रोमेटिड के पास आपको एक क्रोमेटिड नजर, एक क्रोमेटिड के पास आपको एक डीएनए नजर आएगा, जो कि आपको याद रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक डीएनए एक क्रोमेटिड के पास मौजूद होता है। अब यहां पे आपने ये याद रखना कि जो डीएनए की थिकनेस है, थिकनेस वो 2 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है, 2 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है, ये आपने लाजमी तौर पे याद रखना है 2 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। इसी तरह जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की जो थिकनेस है वो 1400 नैनोमीटर थिकनेस होती है। तो क्रोमोसोम की 1400 के लगभग थिकनेस है और जो 2 नैनोमीटर की थिकनेस होती है वो किसकी है, डीएनए की होती है। अब आते हैं हिस्टोन प्रोटीन के पास। हिस्टोन प्रोटीन की अगर टोटल टाइप देखी जाए तो इसकी 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं इसकी जो आपको नजर आती है हिस्टोन प्रोटीन की। एक इसकी टाइप है जिसको कहते हैं H1, एक इसकी टाइप है जिसको कहते हैं S2A, एक इसकी टाइप है जिसका नाम है H3B, एक है H4 और एक आ जाती है इसकी H5। तो ये इसकी 5 टाइप्स हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन की आपको नजर आती है, H1, H2A, H3B, H4 और H5 आपको ये नजर आती हैं। 5 टाइप्स की होती हैं हिस्टोन प्रोटीन जो कि आपको नजर आती हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। अब बेसिकली देखा जाए तो ये तो हमारे पास आ गया डीएनए, ये हमारे पास आ गया डीएनए और ये हमारे पास आ गया जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और इनमें से एक हिस्टोन प्रोटीन जो कि H1 है हम इसको नाम देते हैं दूसरा लिंकर प्रोटीन। वो मैं बताऊंगा इसको लिंकर क्यों कहते हैं, ये लिंकर प्रोटीन क्यों कहती है या लिंकर प्रोटीन इसको क्यों कहा जाता है, तो ये मैं अभी बाद में आपको बताता हूं ये लिंकर हिस्टोन प्रोटीन क्यों है। अगर मैं कहता हूं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को आपस में मिलाया जाए, तो फिर क्या बनता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को आपस में मिलाया जाए। अब कैसे मिलाया जाए देखे ना जरा गौर करके, 8 कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, अगर 8 हिस्टोन प्रोटीन का गुच्छा कोर ये मिलाया जाए किसके साथ, मिलाया जाए डीएनए के साथ, मगर कितना डीएनए, अगर इसको मिलाया जाए 200 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड किसके न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के, तो डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड को 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलाया जाए तो फिर जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, हम उसको न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं, ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अब न्यूक्लियोसोम का मतलब जैसे मैं आपको बता चुका हूं 8 हिस्टोन प्रोटीनों की, 8 जैसे 1 2 3 4 और 4 मैं कुछ और कलर का बना देता हूं 1 2 3 4, ये आपके पास 8 का गुच्छा आ गया, कोर आ गया, इसके ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ है, ये डीएनए लिपटा हुआ है। अब ये जो डीएनए है ये कितने हैं, 200 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर क्वाइल किए हुए हैं। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। अब यहां पे एक चीज को याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है ना सारी के सारे जो कि डीएनए के अंदर लिपटी है वो ये 4 हैं, ये वाली ये 4 हैं,
एच टू ए, एच थ्री बी, एच फोर और एच फाइव है, मगर जो एक होती है वो इसके अंदर नजर नहीं आती, ये वाली एच वन, ये क्या करती है, इस कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के जो डीएनए लिपटा है उसको कस के लपेटना, उसको लपेटने के बाद उसको गिरा लगा देना, जो गिरा लगाने में काम करती है वो एच वन है, इसलिए कहते हैं इसको लिंकर प्रोटीन है। जैसे एक न्यूक्लियोसोम ये है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम आपके पास मैं बना रहा हूं, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम मैं बना रहा हूं, इसके ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक हो गया। अब ये इस तरह से एक बीड तस्बी के दाने की तरह ये इस तरह ये बनती जा रही, चेन बनती जा रही है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है इसको यहां पे गिरा लगा दिया कि ये दोबारा खुले ना, ये जो न्यूक्लियोसोम इसको गिरा लगा दिया ये दोबारा खुले ना, ये जो गिरा लगा रही ना, गिरा जो कि न्यूक्लियोसोम के बाहर है, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो कि आठ है उसको गिरा लगाने का काम करती है, वो है एच वन, जिसको कहते हैं लिंकर प्रोटीन, जो क्या करती है गिरा लगाने में रोल अदा करती है। तो इस तरह से ये आपको नजर आता है न्यूक्लियोसोम, और उसके ऊपर क्या नजर आती है एच वन, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम इसकी जो थिकनेस है ये 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है, 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो इसका मतलब कि अगर देखा जाए जो न्यूक्लियोसोम है उसकी 10 नैनोमीटर थिकनेस है, डीएनए की मैंने कितने बता दी 2 नैनोमीटर आपको थिकनेस बता दी है। अब न्यूक्लियोसोम आगे कंडेंस होगा, आगे कंडेंसेशन होगी, ये आगे फर्दर कंडेंस होगा, तो इसके कंडेंस होने से आगे जो स्ट्रक्चर बनता है, इसके क्वाइल होने से, कंडेंस होने से आगे जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है क्रोमाटिन, उसका नाम क्या है क्रोमाटिन। तो जो क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन जो कि फाइन नेटवर्क था, जो कि आपको नजर आता था जब सेल डिवाइड नहीं होता, इसकी जो थिकनेस है ये 30 नैनोमीटर होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं क्रोमाटिन को, सोलिनॉइड भी इसको कहते हैं, तो इसको हम सोलिनॉइड भी कह सकते हैं, इसको क्रोमाटिन भी कह सकते हैं, फाइन नेटवर्क जो कि 30 नैनोमीटर होता है। इसके आगे फर्दर क्वाइलिंग होती है, ये आपके जाके 700 नैनोमीटर चले जाती है, वो आपने याद रखना है या नहीं याद रखना, मतलब ये याद रखना कि आगे क्वाइलिंग तो होगी, सुपर क्वाइलिंग भी होगी, क्वाइलिंग भी, क्योंकि इससे आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा, आगे जो फॉर्म बनेगी वो क्रोमोसोम की होगी। क्रोमाटिन से आगे कंडेंसेशन के बाद क्या बनती है आपके पास, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या इसकी फॉर्म बनती है, मगर आपने इसकी याद रखनी है इसकी कितनी है 30 नैनोमीटर होती है। तो इसकी फर्दर कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी, और वो जो थिकनेस रखता है वो कितनी है 1400 नैनोमीटर थिकनेस को रखता है। अब यहां पे आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है वो ये है कि एक क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, कोई भी इंडिविजुअल उगा लो, उसके पास जो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है हम उसको कहते हैं कैरियोटाइप, हम उसको कैरियोटाइप का नाम देते हैं। तो कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप हम किसको कहते हैं, बेसिकली जो कैरियोटाइप है हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल के अंदर जो इसकी अरेंजमेंट होती है हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कैरियोटाइप। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, क्रोमाटिड, सेंट्रोमेयर, टीलोमेयर, सैटेलाइट और इसके बाद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है, जिसके लिहाज से मैं कैरियोटाइप बताऊंगा, अरेंजमेंट बड़े तरीकों से बता सकते हैं मगर एक तरीके से मैं बताऊंगा, और उसका नाम है सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर के लिहाज से मैं इसकी अरेंजमेंट बताऊंगा, तो आपने इसको लाजमी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एमडी कैट के लिहाज से भी, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमेयर करते हैं। तो देखते हैं सेंट्रोमेयर के लिहाज से इसकी चार टाइप बनती है और वो कैसे बनती है जी। तो इसकी पहली टाइप को देखते हैं कि इसकी पहली टाइप कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है और इसका जो सेंट्रोमेयर है वो टिप के ऊपर मौजूद है, टिप के ऊपर। तो टिप का आपको मुझे, मैंने आपको पहले बता दिया, कॉर्नर हो या टिप हो या एंड हो, उसको हम कहते हैं टीलो। तो क्या मौजूद है सेंट्रोमेयर, तो इसका नाम होगा टीलोसेंट्रिक, तो इसका नाम होगा टीलोसेंट्रिक है। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंट्रोमेयर है ये टिप से जरा सा नीचे आ गया,
ये जरा सा नीचे आ गया, तो टिप के करीब है, तो हम इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक आ गया। अगर मैं कहता हूं ये मिडल से, सेंटर से जरा सा ऊपर है, सेंटर से जरा सा ऊपर है, तो हम इसको कह देंगे सब मेटासेंट्रिक। दे आर कॉल्ड सब मेटा सेंट्रिक का नाम दे देंगे इसको, सब मेटा सेंट्रिक कहलाएगा। ये आ गया सब मेटा सेंट्रिक कहलाएगा। अगर मैं कहता हूं ये आ गया सेंटर पर, तो सेंटर पर आ जाने से इसको हम कह देते हैं दे आर कॉल्ड मेटा सेंट्रिक। तो हम इसको नाम देंगे दे आर कॉल्ड मेटा सेंट्रिक। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैंने की है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमेयर, टिलोसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमेयर जो मौजूद है वो एंड के ऊपर है, जो सेंट्रोमेयर है वो आपको नजर आता है एंड के ऊपर, तो अगर वो एंड के ऊपर है तो हम उसको कहेंगे दे आर कॉल्ड टिलोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमेयर नजर आता है नियर टू एंड, अगर वो नियर टू एंड है, करीब है एंड के, नियर टू एंड, तो हम उसको नाम देंगे दे आर कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। अगर वो जरा सा सेंटर से ऊपर है तो हम उसको कह देंगे दे आर कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर क्लास से डेफिनेशन करनी है अवे फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर के ऊपर जो आपको जरा सा नजर आता है वो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है, और जो आपको नजर आता है मिडल के ऊपर, एट सेंटर जो आपको नजर आता है वो आपको नजर आता है जिसका नाम है मेटासेंट्रिक है। ये जो आपके पास टिलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक है, इसकी जो शेप है इसको हम कहते हैं ये आई शेप है, ये आई शेप है, हम इसको आई शेप का नाम देते हैं। और जो आपके सब मेटासेंट्रिक है हम इसको जे शेप का नाम देते हैं, ये जे शेप है। और जो आपके पास ये वाला है, हम मेटासेंट्रिक को हम इसको नाम देते हैं ये वी शेप है। तो वी शेप आपके पास मेटासेंट्रिक आ गया, ये आपके पास जे शेप आ गया, और ये कौन सा आ गया आई शेप। ये बेसिकली जितनी भी शेप है ना, शेप सारी की सारी, जे शेप, आई शेप और वी शेप, ये सारी की सारी आपको नजर आती है एक फेस के अंदर, और उसका नाम है एनाफेस। तो ये आपको सारी की सारी जो शेप नजर आती है एनाफेस के अंदर नजर आते हैं, जब ये घूम कर जा रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं पोल की तरफ, जब ये पोल की तरफ खिंचाव पड़ता है उस वक्त ये आपको नजर आता है वी शेप, जे शेप और आई शेप। जैसे मैं एक छोटी एग्जांपल बताऊं, जब मैं इसको यहां से इस तरफ खींचूंगा तो आपको पता है खींचने की वजह से ये इस तरह से आगे की तरफ हो जाएगा, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये इस तरह से नजर आएगा, तो ये आपको वी शेप नजर आ रहा है। तो इस तरह से एनाफेज के दौरान जो आपको नजर आती है वो शेप नजर आती है। तो ये क्लासिफिकेशन जो मैंने की है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर की है। तो ये आपके पास चार फॉर्म्स आ गई क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर के लिहाज से, और ये सेंट्रोमेयर के लिहाज से देखा जाए या किसी भी चीज के लिहाज से देखा जाए तो क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स बन जाती है। तो ये था एमडी कैट का लेक्चर क्रोमोसोम का।